अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि शर्मा के चली गई? पापा आपको नहीं पता वो शर्मा ही नहीं है, वो गुस्सा होकर अंदर चली गई। क्या? हाँ। बेटा आजकल आप घंटों घंटों किससे इतनी देर तक बात करते रहते हो? अरे मैं जिनी से बात कर रही थी। क्या? अरे ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है? दो दो जिनी, ये कैसे पॉसिबल है? जिनी जल्दी कर, टाइम कम है और होमवर्क ज्यादा है, आज फिर से ट्यूशन में डांट पड़ेगी। सबकी डांट सुनो, सबके सामने इंसल्ट करवाओ, डिमोटिवेटेड लाइफ हो चुकी है मेरी, क्या करूं? बस इतना ही काफी है, अगर ट्यूशन एब्सेंट कर दी ना तो ट्यूशन टीचर खुद यहाँ पे आके टांग के ट्यूशन ले जाएगा। का तो मुझे समझ आता नहीं है, घर में पढ़ना नहीं है, ट्यूशन का होमवर्क करना नहीं है, स्कूल का होमवर्क करना नहीं है, पता नहीं क्या होगा इसका। लास्ट ईयर तो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, इस साल क्या होगा इसका? और ट्यूशन टीचर मुझे सुनाती है, स्कूल टीचर मुझे सुनाती है, मैं क्या करूं? तो मुझे क्यों सुना रही हो, इस लड़की का तो इतना बुरा हाल है, कल देखा उसने क्या किया? क्या कर दिया? मेरी शर्ट ना जला दी उसने। आपकी तरफ देख के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब जिनी और आपको एक साथ देखती हूँ ना तो मुझे एक ही बात याद आती है, लापरवाही। तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या उसके बदले उसका होमवर्क कर दूँ या फिर उसका एग्जाम दे आऊँ और उसको आने दो, आज उसकी मैं खुद क्लास लूंगा। आप दोनों चुप रहो, आप दोनों को बस ना डरने का मौका चाहिए, अब जिंदगी आएंगी तो खुद उनसे ही बातें कर लेना ना। आने दो आज उसको, मैं बताती हूँ। आने दो, मैं बताता हूँ उसे आज। अरे मतलब हम दोनों मिलके बताएंगे ना। आज तो मुझे ट्यूशन जाना ही नहीं चाहिए था, इतनी डांट पड़ी है और वो रश्मिका, काजल सब नाराज हो गए मुझसे, और वो पंकज सर खड़ूस टीचर है एकदम। लो आ गई। ये लो, अब इन दोनों से भी सुनो, मेरा तो जन्म ही सबसे दो बातें सुनने के लिए हुआ है, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने तुझे शर्ट प्रेस करने के लिए दी और तूने वो जला दी, और कल तो तूने एक और कमाल कर दिया, पता है इसने क्या किया? क्या कर दिया? अरे भरी बाल्टी में मेरा मोबाइल डाल दिया, और पता है क्यों? क्यों? चेक कर रही थी कि फोन वाटरप्रूफ है या नहीं है। क्या हो गया आजकल तुझे? इस घर में जो भी गलत काम होता है ना वो सिर्फ मैं करती हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि शर्मा के चली गई? क्या? हाँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबको मेरी ही कमी दिखती है, मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ अगर मुझसे नहीं होता, मैं नहीं हूँ बेस्ट, नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जिनी अभी गुस्सा उस्सा छोड़ दो, आओ चलो जल्दी से खाना खा लो, हाथ मुंह धोओ, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। जिनी ये क्या, रात का दूध भी अभी तक भी रखा हुआ है, तूने पिया ही नहीं? जिनी मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है, मैं कैसे समझाऊं आपको, आपसे समझदार तो दुआनी है। चलो खाना खाओ, चलो। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? खाना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, जो जी में आए ना वो करो, ठीक है? और हाँ, जाते जाते गीत लगा के जाओ। अच्छा ले ले। इन लोगों की डांट से तो आज मेरा पेट भर गया। हेलो हेलो जिनी। कौन? मैं जिनी हूँ, तुम भी जिनी हो? ये क्या मजाक है? ये क्या कर रही हो तुम, गुस्सा होकर खाना नहीं खा रही हो? लेकिन अब भूखे रहने की जरूरत नहीं है,
पता। मुझे और भी बहुत कुछ पता है। क्या तुम नहीं चाहती तुमसे सब प्यार से बात करे, तुम दोबारा से पढ़ाई में अच्छी हो जाओ? चाहती हूँ, पर तुम्हें इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है। आज मम्मी पापा से, ट्यूशन टीचर से डांट सुनने के अलावा तुमने आज सुबह सुबह ध्वनि की रिमोट कार्ड छुपाई है, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही थी। तुमने अपने पिल्लों के नीचे 500 रुपए का नोट भी रखा है कल शाम को। तुम उस 500 के नोट से मेकअप किट खरीदना चाहती हो ना? तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा जिनी, तुम और मैं मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। बोलो मेरा साथ दोगी ना? बोलो मैं जो कहूँगी वो करूँगी ना? बोलो बोलो। हाँ हाँ करूँगी। ठीक है, फिर तुम अभी अपने पापा के पास जाओ और उनसे 200 रुपए मांग कर आओ, क्योंकि तुम्हारी वो मेकअप किट 700 रुपए की आएगी, 500 में नहीं आने वाली। अरे अभी अभी तो मुझे डांट पड़ी है, घर में रहने दे रहे हैं, मेरे लिए यही काफी है। जैसा कहती हूँ वैसा करो, वो तुम्हें दे देंगे, तुम जाओ। ओके। मुझे 200 रुपए दे दो। 200 रुपए? हाँ। एक काम करो, 500 रुपए रख, और जो भी करे सूझ बूझ से करियो, ठीक है? Thank you.
वाइफ बनवा दी। अरे जिनी बेटा, आपने क्लास में टॉप किया है तो आप जल्दी से बताओ मीठे में क्या खाओगे। मम्मी आपका जो मन करे वो बना दो, और वैसे भी खीर तो मेरी फेवरेट है। बेटा आजकल आप घंटों घंटों किससे इतनी देर तक बात करते रहते हो। अरे मैं जिनी से बात कर रही थी। क्या? हाँ पापा, मैं हर रोज जिनी से ही बात करती हूँ। क्या कहने चाह रही हो जिनी आप? जिनी पागल हो गई हो क्या? ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ पापा मैं सच ही बोल रही हूँ, आप खुद ही देख लो मैं इतनी इम्परफेक्ट से परफेक्ट कैसे बन गई। जिनी वो ना आपकी मेहनत रंग लाई है, और जो आप सुबह 4 बजे उठती हो और इतनी मेहनत से पढ़ती हो ये उसी का कमाल है यार। क्योंकि जो सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करता है वो पूरे दिन में कहीं नहीं मिलती है। हाँ ऐसा नहीं है मम्मी पापा, मुझे सच में जिनी की फोन आती है और पता है उसमें मेरी आवाज रहती है। बेटा आपका दिमाग तो ठीक है ना, कुछ दिन रेस्ट करो आप। नहीं मम्मी पापा, मैं उसी से बात कर रही थी, और अभी नहीं मैं बहुत दिनों से उससे बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है मेरी। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, फिर तुमने अपने मम्मी पापा को क्यों बताया? सॉरी जिन्नी। अरे ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है? दो जिन्नी ये कैसे पॉसिबल है? चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम मुझसे मिलना चाहती हो जिन्नी? हाँ 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 बताओ कहाँ पर मिलोगी? तो अपने घर की छत पे आ जाओ। ठीक है। ये तो वो ही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। ये ध्वनि निकाल देती जिन्नी की आवाज। क्यों क्या ध्वनि तुमने ऐसे मेरे साथ? हाँ क्योंकि मैं आपको ऐसे डांट खाते हुए नहीं देख सकती, और जो आपने मेरी रिमोट कंट्रोल का ली थी ना, मैं वो भी लेना चाहती थी। मम्मी तू तो बहुत बदमाश हो गई है, एक बार मांगी लेती रिमोट कंट्रोल का और मेरे से मैं दे देती। सॉरी जिनी बेटा, हमने आपकी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। ट्यूशन टीचर भी डांटते थे और हम भी आप पे चिल्लाते रहते थे, डिमोटिवेट करते रहते थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिनी, आई एम सॉरी। सच में जिनी बेटा, हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे आपके साथ। अब बस करो मम्मी पापा, रुलाओगे क्या? चलो इस चक्कर में मैं क्लास में टॉप तो आ गई, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी। ये सिर्फ मेरी क्यूट सिस्टर की वजह से हुआ है। ध्वनि चलो नीचे चलते हैं। चल कहाँ, गर्मी में छुपी बैठी हुई चलो बैठो। क्या क्या ये बच्चे करते रहते, समझ नहीं आता। बताओ चिड़ी की आवाज की बात है लड़की, बात हो गई बिल्कुल ही ना। और ये स्लाइम में कौन मिला हुआ था इसके साथ? अरे अभी किसका फोन आ गया? हेलो कौन? मैं पुनीत जैन बोल रहा हूँ, कैसे हो? Thank you.